नेक्स्ट टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर ये वर्ड डायपोल मोमेंट को देखें तो डायपोल मोमेंट ऑलरेडी हमने टर्म की हुई है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। कैसे की है? ऐसे की है कि सपोज करो आपके पास कोई भी दो चार्जेस हैं, एक मान लो क्यू, एक मान लो माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो हम क्या बोलते हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो इसके अंदर हम क्या लेते थे? डायपोल मोमेंट, याद है? डायपोल मोमेंट पी वेक्टर। और अगर मैं बोलूं पी वेक्टर का नाम क्या है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता था? क्यू इंटू टू ए। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। उसी तरीके से आपके पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो मैग्नेटिक डायपोल का है। मैग्नेटिक डायपोल में एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे दो पोल्स हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स। और बेस्ट एग्जाम्पल जो लूंगा मैं, इसमें लूंगा एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट तो बहुत बड़ा होता है, मुझे बार मैग्नेट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, मुझे यूज करना चाहिए दो पोल्स। दो पोल्स में ये साउथ है और ये नॉर्थ है। दो पोल्स सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मान लो वेरी स्मॉल डिस्टेंस कितने? 2a या 2l या 2x, जो मर्जी डाल दो। तो दो पोल्स इक्वल एंड ऑपोजिट नॉर्थ एंड साउथ, जिनकी स्ट्रेंथ भी बराबर है। देखो कोई भी मैग्नेट अगर लेते हैं तो और उसके दो पोल्स होते हैं तो पोल्स की स्ट्रेंथ होती है। आप अगर मुझे कोई मैग्नेट दें तो कोई इस साइज का मैग्नेट दें और दूसरा भी इस साइज का मैग्नेट दें, एक मैग्नेट स्ट्रांग हो सकता है और एक वीक हो सकता है। जो स्ट्रांग मैग्नेट है वो ज्यादा अट्रैक्ट है, रिपेल करेगा दूसरे को, जो वीक है वो कम करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पोल्स में डिफरेंस है। साइज तो उनका सेम है पर एक की पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, एक की पोल की स्ट्रेंथ कम है। तो इस चैप्टर में हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है छोटा एम। स्मॉल एम का मतलब है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, क्लियर है यहां तक? स्मॉल एम का मतलब क्या है? पोल स्ट्रेंथ। तो जो काम इस चैप्टर में चार्ज करता था वो काम इस चैप्टर में कौन करेगा? पोल स्ट्रेंथ करेगा, पोल स्ट्रेंथ। तो रूल नंबर वन, अगर कोई आप मैग्नेट लेते हैं, कोई बार मैग्नेट भी लें जिसके दो पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा और एक पोल की स्ट्रेंथ कम है। ना, पोल स्ट्रेंथ एक मैग्नेट की हमेशा हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। एम एम, हम मैग्नेट चेंज करोगे एम वन एम टू, एम वन एम वन, और चेंज करोगे एम टू एम टू। क्लियर है यहां तक? तो पहला केस क्लियर है, पोल की स्ट्रेंथ आपको कुछ में गिवन होती है। अब इस मैग्नेट में या इस डायपोल में, इस कॉम्बिनेशन में नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इनके बीच में दूरी अभी भी छोटी है, 2L, बहुत ही छोटी है। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से पहले एक चीज समझ लें कि जो काम इसमें नेगेटिव करता था वो काम इसमें साउथ करेगा, जो काम इसमें पॉजिटिव करता था वो काम इसमें नॉर्थ करेगा। जस्ट समझाने के लिए, जबकि रिलेशन कोई नहीं है इनका आपस में, ताकि हमें याद रहे, नेगेटिव साउथ पॉजिटिव नॉर्थ। जो काम इसमें छोटा क्यू करता है वो काम इसमें पोल स्ट्रेंथ करेगी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, और इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ। ये साउथ से नॉर्थ, क्लियर है यहां तक? तो साउथ से नॉर्थ, वही सेम काम, वहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव, यहां पर साउथ से नॉर्थ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया? पी से। इसको रिप्रेजेंट करेंगे बड़े एम से, कैपिटल एम, कैपिटल एम, या फिर कई बुक्स इसको म्यू भी लिखती हैं, म्यू वेक्टर, एक ही बात है, कैपिटल एम या म्यू वेक्टर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो पी का मैग्नीट्यूड क्या था इसमें? क्यू इंटू टू ए। यहां पर पी की जगह क्या आएगा? कैपिटल एम। चार्ज की जगह क्या आएगा? स्मॉल एम। और लेंथ की जगह 2l। ये लो, क्या बन गया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। बिल्कुल सेम चीज चल रही है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और डायरेक्शन की साउथ से नॉर्थ। क्लियर है यहां तक? तो ये पहला कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन की, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एग्जैक्टली है क्या। कोई डाउट इसमें?
ठीक है,